इसी राह में मैं समझता हूं कि आने वाले समय में मैं आपको ये भी बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया आने वाले समय में राजस्थान के किसानों को जागृत करने के लिए, किसान आंदोलन को और मजबूती मिले, MSP गारंटी कानून जल्द बने और भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो किसानों के और गांव के और देश के लोगों के सामने आए, इसके लिए पंचायत स्तर तक पूरे राजस्थान में बहुत जल्दी डेट्स आपके सामने आएंगी। किसान जागृत सम्मेलन, किसानों को जागृत करने का, उनके अधिकारों के प्रति, उनके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति किसानों को जागृत करने के लिए हम सम्मेलनों का आयोजित करेंगे जो कि पंचायत स्तर तक जाएगा। ये फैसला कांग्रेस कमेटी ने लिया है और बहुत जल्दी सामान्य अध्यक्ष जी, आपको क्या डेट्स, कब से कब तक कैसी योजना चलेगी वो आप लोगों के बीच में बताएं। देखिए, 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या हाल हुआ, 10 सालों में आप आंकड़े उठाएं, बेरोजगारी किस चरम तक पहुंच गई है, पिछले 10 सालों में महंगाई कहां पहुंच गई है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं, दो मुद्दों के ऊपर सवाल करना चाहता हूं। आप कह रहे हैं मेरा परिवार है, क्या ऑनलाइन सट्टा जो चल रहा है, ऑनलाइन जुआ चल रहा है अनेकों पोर्टल के ऊपर, और आपके परिवार के बच्चे, इस देश के युवा उनकी चुंगल में उलझकर सट्टे के कारण डिप्रेशन में है, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, क्या आपको ये ऑनलाइन सट्टा दिखता नहीं है, क्या आप इसको बंद करने की इच्छा शक्ति नहीं रखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इस 10 सालों में देश के अंदर नशे का चलन, नशे की सप्लाई गांव गांव तक पहुंच गई है। जितने मैं फील्ड में रहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, इन 10 सालों में गांव गांव के अंदर नशे का चलन हो गया है। सारे जिम्मेदार लोग अपने दिल के ऊपर हाथ रखें, पूरे देश में, मैं राजस्थान के नहीं कह रहा हूं, पूरे देश में कह रहा हूं, पूरे देश के अंदर नशे का चलन इन 10 सालों में बढ़ गया है। सारे जिम्मेदार लोग अपने दिल पर हाथ रखें और अपने गांव और अपने इलाकों की स्थिति परिस्थिति को देखें, तो ये 10 साल श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, क्या उन्होंने अपने परिवार में बुरी तरह से इस नशे को युवाओं के बीच में उन्होंने क्यों पहुंचने दिया? क्या उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि मैं नशे का चलन को खत्म करूं, नशे को खत्म करूं, इस नेक्सस को खत्म करूं और जुए के नेक्सस को? इनके रहते रहते ऑनलाइन जुआ पनप गया इन 10 सालों में। 10 साल पहले कितना सा जुआ था आप बताइए, आज ऑनलाइन कितने पोर्टल्स हैं, चाहने को अब कुछ एजेंसीज का तो नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, क्रिकेट से संबंधित 49-49 रुपए में टीमें लग रही हैं, करोड़ों रुपए कमाने के सपने दिखाए जा रहे हैं, क्या युवा उसमें ठगे नहीं जा रहे? किसको नहीं दिख रहा है? कौन से परिवार की बात कर रहे हैं मोदी जी, जिस परिवार को वो खुद अपनी आंखों के सामने रहते नशा का चलन करना चाहते हैं, जुए का चलन करना चाहते हैं, ऐसा परिवार बनाया है मोदी जी ने?